स्कूल्स में एडमिशन से पहले आपके लिए अपने बच्चे की एज लिमिट, एज क्राइटेरिया जान लेना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप करेक्ट क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही जानकारी मैं दूंगी आपको सर्वोदय विद्यालय, सर्वोदय गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एडमिशन ओपन होने वाले हैं उनमें नर्सरी, केजी और क्लास वन के बच्चों के लिए क्या एज लिमिट है, क्या एज क्राइटेरिया है, डिटेल में इसकी जानकारी दूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड, होप यू आर फाइन। आज के वीडियो में मैं सर्वोदय गवर्नमेंट स्कूल में जो एज लिमिट होनी चाहिए बच्चों की क्लासेस नर्सरी, केजी और क्लास वन के लिए, सो उनका एज क्राइटेरिया मैं शेयर करूंगी जो कि सर्कुलर आया है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं उसकी डेट्स की डिटेल्स शेयर करी है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। जो सर्कुलर एडमिशन के लिए आया है उसमें ही एज लिमिट, एज क्राइटेरिया बच्चों का दिया होता है कि किस एज के लिए क्या एज होनी चाहिए बच्चों की, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 3 साल, 3 ईयर्स कम्प्लीट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2022 तक। ये जो फॉर्म्स हैं ये 2022-23 के फॉर्म्स हैं, बच्चों का एडमिशन सेशन 2022-23 के लिए होगा। तो इसमें बच्चे की एज हम जो कैलकुलेट करेंगे एज वो 31 मार्च 2022 पर रखकर करेंगे। तो बच्चे की एज जो है नर्सरी के लिए 3 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब नर्सरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच में हुआ होना चाहिए। अगर इस बीच आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो फिर आप उसका एडमिशन नर्सरी में करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास है केजी, केजी के लिए 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक बच्चे की एज 4 ईयर्स होनी चाहिए। बच्चे 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो आप केजी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास है क्लास वन, क्लास वन के लिए एज लिमिट है 5 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। इसके लिए आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में उसका जन्म होगा हुआ होगा अगर, तो आप क्लास वन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज लिमिट है 5 ईयर्स। तो ये एज क्राइटेरिया नर्सरी, केजी और क्लास वन के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक एज रिलैक्सेशन देने का भी प्रोविजन है, इस एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बताऊंगी मैं। एज रिलैक्सेशन जो है अप टू 30 डेज मिनिमम और मैक्सिमम एज में दिया जा सकता है। वो कौन देगा, एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ स्कूल्स, मतलब प्रिंसिपल। आपको अगर एज रिलैक्सेशन सीख करना है मैक्सिमम या मिनिमम एज लिमिट में नर्सरी, केजी और क्लास वन के लिए, तो आप हेड ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल को एक रिटन एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं एज रिलैक्सेशन सीख करने के लिए। और ये पूरी की पूरी जो डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है वो एज रिलैक्सेशन देंगे या नहीं। अगर उनको ठीक लगेगा, उनको वैलिड रीजन लगेगा तो वो देंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि क्या होता है, ये एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन इसलिए है क्योंकि कभी कभी बच्चा कुछ दिनों से मिनिमम या मैक्सिमम एज से रह जाता है जिसकी वजह से उसका पूरा एक साल वेस्ट हो सकता है। तो इसको देखते हुए ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 30 डेज ऊपर नीचे अगर बच्चे की एज हो रही है तो प्रिंसिपल अपने डिसीजन लेकर आपको बच्चे को एज रिलैक्सेशन दे सकता है जिससे कि बच्चे का एडमिशन उस पर्टिकुलर क्लास में हो जाए जिसमें आप चाह रहे हैं। तो ये थी डिटेल सारी एज लिमिट की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्या एज लिमिट होनी चाहिए। प्रॉपरली पूरा मंथ वाइज, ईयर वाइज लिखा हुआ है कि किस ईयर में बॉर्न है बच्चा तो क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल होगा वीडियो, और कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स पर भी जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है नर्सरी, केजी और क्लास वन के एडमिशन के लिए सर्वोदय विद्यालय में। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।